नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र शुभचिंतक देवी प्रेम आपके अपने प्रोग्राम शुभ लाभ वास्तु में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज आप सभी के सामने एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पंच तत्वों में जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि कितने किस किस दिशा में कौन सा तत्व है, क्या उसके एट्रीब्यूट्स है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आकाश से उत्पन्न हुआ तत्व, जल तत्व, वाटर एलिमेंट। जल तत्व की दिशा है उत्तर की दिशा, नॉर्थ इज रूलिंग एलिमेंट इज वाटर। इस तत्व का जो शेप है वो वेवी शेप है, वेव लहरें हैं। कलर जो है ब्लू कलर है, ब्लू कलर या काला। अगर हम रात में देखें जल को, समुद्र को, तो काला दिखता है, दिन में देखने से ब्लूइश कलर दिखता है। तो ब्लू कलर हम वाटर का ही मानते हैं, कंसिडर करते हैं कि वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट जीवन का आधार है। जो रचना हुई है मानव की, या मानव के पहले की जो रचना हुई है, जो जीव की रचना हुई, वो जल से ही हुआ है। जैसे विष्णु के जो 10 अवतार में से जो अति मुख्य पहला जो अवतार है वो है मत्स्य अवतार। उन्होंने एक फिश के रूप में, उस फॉर्म में एक अपना एक अवतार लिए हैं। तो जल जीवन का आधार है, जल ही जीवन है। जल का अपना जो क्वालिटी है वो है फ्लो। जल बहते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं है वो, मूव। देयर इज अ फ्लो, फ्लो इज देयर इन वाटर, दैट इज अ क्वालिटी। अगर हमारे जीवन में जल तत्व का, अगर नॉर्थ दिशा बैलेंस है, जल तत्व का बैलेंस वहाँ है, रूलिंग जो एलिमेंट वहाँ व्यवस्थित है, कुछ एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं है, वेल मेंटेन नॉर्थ है, तो नॉर्थ की दिशा से जो हमें जो बेनिफिट्स मिलना है जीवन के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जो भी बेनिफिट्स हमें मिलना है, लाभ मिलना है, तो हमें सहजता से मिल जाते हैं। जल तत्व की दिशा नॉर्थ है, कलर है ब्लू, शेप जो है वेवी शेप है। व्यवस्थित रहने से, बैलेंस रहने से हमें मनी के संबंध में जो अपॉर्चुनिटीज है वो हमें मिलते हैं। क्योंकि जल से उत्पन्न हुए माँ महालक्ष्मी वो समुद्र पुत्री है, और नॉर्थ डायरेक्शन के जो अष्टदिक्पाल देवता में से एक देव है वो है कुबेर, जो महासचिव है, माँ महालक्ष्मी के वो अंडर में रहते हैं। ये दो जो पावर्स है, गॉडेस महालक्ष्मी और कुबेर देव, इन दोनों का सदैव हम पे कृपा रहे, कृपा दृष्टि रहे। हमें जीवन में जो धन के संबंध में जो भी बेनिफिट चाहिए, जो ब्लेसिंग चाहिए, हमें सदा ऐसे ही मिलते रहे। और माँ महालक्ष्मी कृपा आप सभी पर बनी रहे, सब पर कृपा की दृष्टि हो, सब पर कुबेर जी की भी दृष्टि हो, यही शुभकामना से मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नॉर्थ डायरेक्शन को, उत्तर की दिशा को व्यवस्थित रखें, स्पेस को मेंटेन करें, खाली रखें। जैसे पिछले वीडियो में आपको मैं बताया कि नॉर्थ ईस्ट को एम्प्टी रखना है, खाली रखना है, व्यवस्थित मेंटेन रखना है। वजन मत रखिए वहाँ पर, ऑक्यूपाई मत करिए, उसको फ्री रखिए, एम्प्टी रखिए। धन्यवाद मित्रों, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही आशीर्वादित करें, अपना प्रेम दें, स्नेह दें। धन्यवाद मित्रों।